हेलो फ्रेंड्स हम सीख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स और जैसा आप जानते हैं हर लेक्चर में हम एक वॉब से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वॉब हैं उनको डिस्कस करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आज हम बात करेंगे दो वॉब की लुक एंड मेक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक और लुक से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनकी सबसे पहले बड़ी कॉमन एक फ्रेजर वो फ्रेंड्स आपने ऑब्वियसली इसका नाम सुना होगा लुक आफ्टर और लुक आफ्टर क्या होता है टू टेक केयर ऑफ यानी देखभाल करने के लिए आप लुक आफ्टर का यूज करते हैं देखभाल करना टू टेक केयर ऑफ लुक आफ्टर एग्जाम्पल कह सकते हैं आप कि आई एम लुकिंग आफ्टर योर अफेयर्स वाइल यू आर इन हॉस्पिटल वाइल हॉस्पिटल कि जब आप हॉस्पिटल में हैं तो मैं आपके जो हैं उनकी देखभाल कर रहा हूं लुक राउंड या लुक अराउंड अराउंड लुक होता है टू विजिट अ प्लेस और अ बिल्डिंग किसी बिल्डिंग पर या किसी स्थान पर मिलने जाने के लिए आप लुक राउंड या लुक अराउंड का यूज करते हैं लुक राउंड और लुक अराउंड टू विजिट अ प्लेस और बिल्डिंग क्लियर फ्रेंड्स जैसे आप कह सकते हैं कि लेट्स लुक राउंड द टाउन दिस इवनिंग लेट्स लुक राउंड द टाउन दिस इवनिंग आज शाम को क्या करें टाउन को विजिट करें क्लियर बात कर लेते हैं लुक एट की लुक एट होता है फ्रेंड्स टू एग्जामाइन समथिंग क्लोजली लुक एट टू एग्जामाइन समथिंग क्लोजली लुक एक्ट यानी किसी भी काम को किसी भी चीज को क्या करना एग्जामाइन करना क्लोजली एग्जाम करना यानी किसी की जांच पड़ताल करना आई हैवेंट हैड टाइम कह सकते हैं कि आई हैवंट हैड टाइम टू लुक एट द न्यूज पेपर कि मेरे पास जो न्यूज पेपर था उसको लुक एट करने के लिए टाइम नहीं था यानी उसको रीड करने के लिए तो यहाँ लुक एट का मतलब क्या निकला रीट यानी एग्जाम समथिंग क्लोजली और यू कैन से रीड क्लियर तो हमने सीखा फ्रेंड्स लुकआफ्टर लुकआफ्टर होता है देखभाल करना यानी टेक केयर ऑफ और लुक अराउंड या लुक अराउंड है टू विजिट अ प्लेस और टू विजिट अ बिल्डिंग और लुक एट है टू एग्जामाइंड समथिंग क्लोजली तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लुक डाउन ऑन लुक डाउन ऑन होता है टू थिंक दैट यू आर बेटर देन समथिंग और समबडी यानी जब आप अपने आप को बेहतर समझते हैं सुपीरियर समझते हैं तब आप यूज करते हैं लुक डाउन ऑन टू थिंक योर सेल्फ बेटर देन अदर्स क्लियर अपने आप को क्या समझना बेहतर समझना अपने आप को सुपीरियर समझना जैसे आप कह सकते हैं कि शी लुक्स डाउन ऑन पीपुल शी लुक्स डाउन ऑन पीपुल हु हैवंट बीन टू कॉलेज कि वो अपने आप को उन लोगों से सुपीरियर समझती है जो कभी कॉलेज नहीं गए हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स लुक फॉर लुक फॉर होता है टू होप फॉर समथिंग यानी आशा करना और यू कैन से टू एक्सपेक्ट समथिंग किसी चीज की उम्मीद करना लुक फॉर टू एक्सपेक्ट और होप आशा क्लियर आशा के लिए या एक्सपेक्ट करने के लिए टू होप फॉर या टू एक्सपेक्ट और लुक फॉर सर्च करने के सेंस में भी आप यूज करते हैं क्लियर तो आशा करना उम्मीद करना और ढूंढना कोई चीज क्लियर वहां भी लुक फॉर का हम यूज करते हैं अब कह सकते हैं आप एग्जाम्पल जैसे वी शेल बी लुकिंग फॉर एन इंप्रूवमेंट वी शैल बी लुकिंग फॉर एन इंप्रूवमेंट इन योर वर्क हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंप्रूवमेंट आपके काम में और योर वर्क डिस इस बार आपके काम में इस टर्म आपके काम में हम क्या एक जो आशा ढूंढ रहे हैं किसकी बेहतरी की नेक्स्ट फ्रेंड्स लुक इन टू टू समथिंग क्लोजली यानी एग्जामाइन करने के टू एग्जामाइन समथिंग हम यूज करते हैं लुक इन टू क्लियर जैसे हमने पढ़ा था अभी इससे पहले लुक एट एग्जामाइन के सेंस में यूज किया था लुक इन टू सेंस में यूज करते हैं और एक और है लुक थ्रो लुक थ्रो भी फ्रेंड्स इसी सेंस में हम यूज करते हैं एग्जामाइन समथिंग क्लियर किसी चीज को एग्जामाइन करना जांचने के सेंस में हम यूज करते हैं जैसे आप कह दीजिए प्लीज लुक इन टू द प्रॉब्लम क्या करना है आपको कि कृपया इस जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम में आप देखिए प्रॉब्लम को एग्जाम कीजिए लुक एट कहिए लुक इनटू कहिए या लुक थ्रो कहिए क्लियर फ्रेंड्स नेक्स्ट है लुक आउट और इसका सिरोनिम मिल जाता है आपको वॉच आउट और ये हम यूज करते हैं लुकआउट को सावधान करने के सेंस में टू वॉर्न समबडी किसी को वार्न कर देना वेन स्पेशली वन देयर इज डेंजर जब स्पेशली डेंजर होता है कोई खतरा होता है तब किसी को वॉर्न करने के चेतावनी देने के सावधान करने के सेंस में हम यूज करते हैं लुकआउट को जैसे कह दीजिए लुकआउट देयर इज ए कारकमिंग देखिए एक कार आ रही है सावधान हो जाइए एक कार आ रही है क्लियर तो लुक डाउन ऑन हमने यूज किया बेहतर समझने के सेंस में लुक for यूज़ किया हमने hope फोर एक्सपेक्ट फोर यानी आशा करने के सेंस में लुक इन टू या लुक एट या लुक through हमने यूज किया टू एग्जामाइन समथिंग किसी चीज़ को एग्जामाइन करने के सेंस में और आउट की अगर बात करें तो ये किसी को वॉर्न करने के सेंस में किसी को सावधान करने के सेंस में हम यूज़ करते हैं तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वॉब बनती है मेक से मेक से बनने वाली जो फ्रेजल इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है यहां मेक फोर का मेक फोर होता है टू प्रोड्यूस उत्पन्न करने के सेंस में आप मेक फोर को यूज करते हैं जैसे आप कह दीजिए कि कॉन्टेंटमेंट मेक्स फॉर हैप्पीनेस कॉन्टेंटमेंट मेक्स फॉर हैप्पीनेस कि जो कंटेंटमेंट है जो संतोष है उससे जो पैदा होती है उत्पन्न होती है वो क्या होती है हैप्पीनेस, उससे खुशी उत्पन्न होती है नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेक ऑफ की मेक ऑफ होता है टू हरी अवे यानी भाग जाना मेक ऑफ टू हरी अवे भाग जाने के सेंस में इन ऑर्डर टू स्केप भाग जाना भाग जाने के सेंस में आप मेक ऑफ का यूज करते हैं जैसे कह दीजिए कि द बॉयज मेड ऑफ वेन दे सा द पुलिस लड़कों ने जब पुलिस को देखा तो वो भाग गए यानी मेड ऑफ मेक आउट क्लियर बात कर लेते हैं मेकआउट की मेकआउट मेकआउट होता है पहला जो मीनिंग होता है मेकआउट का वो होता है टू अंडरस्टैंड समबडीज कैरेक्टर किसी के कैरेक्टर को समझना मेक आउट। आई कुडंट जस्ट मेक आउट अ फिगर इन डार्कनेस कि मैं डार्कनेस में अंधेरे में एक फिगर को नहीं समझ पाया Clear? तो मेक आउट और दूसरा है टू राइट आउट अ डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए भी आप मेक आउट का यूज करते हैं टू राइट आउट अ डॉक्यूमेंट जैसे कह सकते हैं कि ही मेड आउट अ चेक फोर रुपीज़ टेन थाउजेंड कि उसने रुप, दस हज़ार रुपये का एक चेक जो है वो मेकआउट किया यानी वो लिखा तो हमने सीखा मेक फोर सीखा जो यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूज उत्पन्न करने के सेंस में मेकऑफ़ का यूज़ करते हैं टू हरी अवे इन ऑर्डर टू स्के भाग जाने के सेंस में बच निकलने के सेंस में और मेकआउट की बात करें तो इसके दो यूज़ हमने सीखे टू अंडरस्टैंड ए करेक्टर एंड टू राइट डाउन और टू राइट आउट ए डॉक्यूमेंट्स क्लियर तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब मेक ओवर मेक ओवर की देखिए मेक ओवर होता है टू लीगली गिव समिंग टू सम्बडी किसी को कानूनी रूप से कोई चीज आप हैंड ओवर करते हैं सौंपते हैं देते हैं तब आप मेक ओवर का यूज करते हैं टू लीगली गिव समिंग टू सम्बडी किसी को कोई चीज कानूनी रूप से देना हो कानूनी रूप से देने के सेंस में मेक ओवर का यूज किया जैसे आप कह सकते हैं कि ही मेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिज एलडस्ट सन ही मेड ओवर टू हिज एल्डस्ट सन उसने अपने बड़े बेटे को क्या कर दिया प्रॉपर्टी कानूनी रूप से दे दी और अगर मेक की बात हो रही है फ्रेजल वॉब भी और मेक अप की ना हो तो बात अधूरी सी रहती है मेकअप जानते हैं सबसे पहला जो यूज है इसका मेकअप का वो है सजना और संवरना बड़ा कॉमन सा यूज यानी वीमेन मेकअप क्लियर और दूसरा जो यूज होता है मेकअप का वो होता है टू कंपनसेट यानी मुआवजा या क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति या मुआवजा कंपनसेट यानी नथिंग कैन मेक अप फॉर द लॉस ऑफ ए चाइल्ड कि कोई भी जो एक चाइल्ड है एक बच्चा है उसका जो कंपेंसेट है उसको पूरा नहीं कर सकता उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता क्लियर तो हमने सीखा फ्रेंड्स मेकओवर लीगली कोई चीज़ जब आप हैंड ओवर करते हैं किसी को मेकअप सजना से भरना और कंपेंसेट के सेंस में हम यूज़ करते हैं आई होप यू आर एन्जॉइंग द फ्रेजल वॉब्स वेरी वेल और तैयारी कैसी चल रही है वजह आ रहा है कि नहीं आ रहा है और अभी तक मिलियर माइंड से इंग्लिस ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप प्ले को जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और एम से अपनी जो तैयारी है उसको शार्प करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और फिजल वर्ब्स के साथ और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें शेयर करें नोटिफिकेशन बेल कॉल करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचें एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो